युवा स्थानीय कांग्रेस नेता प्रदेश कांग्रेस महासचिव नेता केवल सिंह पठानिया ने आज शाम इतवार को शहरी युवा कांग्रेस शाहपुर के साथ बैठक की, जिसमें युवाओं के भविष्य के बारे में चर्चा हुई। युवाओं ने पठानिया ने समक्ष अपने भविष्य की चिंता जाहिर करते हुए कहा कि युवा इस वक्त पढ़ लिख कर बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। इस अवसर पर स्थानीय कांग्रेस नेता केवल सिंह पठानिया ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार के नाम ठगी कर रही है और अपने चेहतों को पिछले दरवाजे से रोजगार दे रही है, लेकिन पढ़े लिखे युवा इस वक्त सड़कों पर घूम रहे हैं। पठानिया ने कहा कि बहुत दुख होता है कि मेरे युवा साथी डिग्रियां हासिल करने के बावजूद भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। पठानिया ने कहा कि युवाओं को जागृत होने की जरूरत है और अपने हक की लड़ाई युवाओं को इकट्ठा होकर लड़नी होगी। शाहपुर कांग्रेस पार्टी विधानसभा शाहपुर क्षेत्र के हर बूथ में जाकर युवाओं को जागृत करेगी। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही शाहपुर के अंदर रोजगार के अवसर पैदा करके युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे युवा साथी इधर उधर न भटके। इसके साथ ही पठानिया ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि फोरलेन का सर्वे जो हुआ है वो राजनीतिक दबाव के चलते सर्वे करवाया गया है, जिससे शाहपुर की जनता आज बहुत परेशान हो चुकी है। पठानिया ने कहा कि शाहपुर कांग्रेस पार्टी शाहपुर की जनता के साथ खड़ी है और शाहपुर की जनता की मांगों का समर्थन करती है। अगर फोरलेन संघर्ष समिति के साथ मिलकर अगर जनता के हितों के लिए कुछ भी करना पड़े, शाहपुर कांग्रेस पार्टी हरदम इनके साथ खड़ी है। इस अवसर पर पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष कर्ण पठानिया, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष मुनीश पटियाल, विनय ठाकुर सोशल मीडिया प्रभारी, अखिल पठानिया, भानु उदय वीर पठानिया, निखिल नरियाल, निखिल शर्मा, रोहित शर्मा, विकास शर्मा, हिमांशु शर्मा, वनीत कुमार, आर्यन शांडल शंडलिया, नीतू राणा, सुमित आदि युवा साथी मौजूद थे। नगर परिषद के अंदर ही जो बहुत बड़ा सम्मेलन किया जाएगा। सम्मेलन के साथ साथ ये भी तय किया गया आज कि चाहे वो गैस वृद्धि हो, चाहे वो पेट्रोल की कीमतों जो आज आसमान, चाहे वो हमारी महंगाई हो, चाहे खासकर जो बेरोजगारी हो, उस पर परिचर्चा हुई। और इसका हम आने वाले टाइम में, मैं कहता हूँ, रैली के जरिए, ज्ञापन के जरिए विरोध भी करेंगे। और आज इस बैठक में जब हम बैठे हैं तो बीच में कुछ लोग जो फोर लाइन से प्रभावित हो रहे हैं, वो मेरे को, मैं ना केवल शाहपुर के, सभी इलाके के लोग मिले थे। आज युवा को पहली DPR नेशनल हाईवे की बनी थी, उस DPR के अंतर्गत लैंड अक्वायर हो और लैंड अक्वायर भी हो, जिस तरीके से जसूर वालों ने कल भी धरना दिया है, इसके साथ साथ फैक्टर 4 जो है पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ है, उसके अंतर्गत जिसकी लैंड अक्वायर हो उसके अंतर्गत उनको मुआवजा भी मिले। ये क्योंकि आज युवा कांग्रेस की बैठक थी, सापर का ज्वलंत मुद्दा था, जो लोग प्रभावित हो रहे थे वो मेरे को सापर यहाँ से बैठक से पहले भी मेरे को मिले। और हम कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस जो प्रभावित परिवार, हमने तो संघर्ष समिति तो आज बनी, हमने तो, मैं आपको बता दूँ, ये 4 लेन का कंडवाल से लेकर मनाली तक का जो संघर्ष है, पहले फेज में कंडवाल से लेकर 32 मील तक लैंड अक्वायर हुई। मैं उस संघर्ष समिति के साथ भी था, इस संघर्ष समिति के साथ भी हूँ, संघर्ष समिति के साथ हर आदमी उसके साथ हूँ, क्योंकि मेरा जो एरिया है, अपन तो पड़ी तरफ पवन कार्यल जी है, धर्मशाला से आपका फैसला टीवी के लिए ब्यूरो चीफ सनी महाजन की रिपोर्ट।